लगातार चुनावी परिणामों पे हम बात कर रहे हैं। मैं फटाफट से एक नज़र आपको बता देती हूँ कि 543 सीटों के क्या रुझान हैं। एनडीए की बात करें तो एनडीए जो है वो एक सीट जीत चुकी है, 290 पर है और 62 सीटों का उसको नुकसान है। वहीं आईएनडीए गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन, वो फिलहाल कोई सीट अभी जीती नहीं है लेकिन 220 पर है और 144 की बढ़त पर है। वहीं तृणमूल कांग्रेस जो है वो 31 सीटों पर आगे चल रही है और 8 की उसको बढ़त मिली है। अन्य जो है 68 के नुकसान पर सिर्फ 2 पर बढ़त बनाई हुई है। एक बात आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इस चुनाव में बड़े उनको लेके न्यूज बने, मजाक बनाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ती है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़त बनाए हुआ है और बीजेपी को वहां पर सर्वाधिक नुकसान हुआ। सर, छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब ये कहा जा रहा था कि एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी। भूपेश बघेल ने जो जमावट की है बहुत शानदार है, उन्होंने जो काम किए वो जनता के हित में, लेकिन क्लीन स्वीप हुआ, वहाँ पे सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का एक तरीके से। बिल्कुल। उसके बाद भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। शुरुआती पहले दौर में भूपेश बघेल साहब राजनांदगांव से आगे थे लेकिन अब वो पीछे हो गए हैं। आप संकेत समझिए, सबसे बड़ा नेता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का, वो पीछे चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ आपको छत्तीसगढ़ के बारे में, मेरे पास जो जानकारियाँ हैं, सरगुजा से चिंतामणि पटेल, चिंतामणि महाराज कहा जाता है उनको बीजेपी के, ये 78,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। ये लीड अपने आप में पर्याप्त है कि जीत के नज़दीक पहुंच जाएंगे। और इसी तरह रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ राधेश्याम राठिया जो हैं 2,04,684 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक सीट जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की, जांजगीर चांपा में कमलेश जांगड़े बीजेपी की, ये 42,000 वोटों से आगे हैं। लगभग आदिवासी इलाका है, आदिवासी बाहुल्य है, अपनी समस्याएं, अलग तरीके की समस्याएं छत्तीसगढ़ में। कोरबा से ज्योत्सना पंत, चरणदास महंत, चरणदास महंत की पत्नी है, वो आगे चल रही है 10,000 वोटों से। बिलासपुर में तेखन साहू हैं बीजेपी के, वो 40,000 से आगे हैं। राजनांदगांव में संतोष पांडे हैं, वो 33,512 वोटों से आगे हैं। दुर्ग जो एक महत्वपूर्ण इलाका है, दुर्ग भिलाई रायपुर के पास, तो दुर्ग से विजय बघेल बीजेपी के 1,82,000 वोटों से आगे हैं। एक बहुत चर्चित चेहरा है ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर से चुनाव लड़े हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 2,04,500 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। महासमुंद से रूप कुमार चौधरी बीजेपी के आगे हैं, मोहन कश्यप बीजेपी के बस्तर से आगे हैं, कांकेर से भोजराज नाग बीजेपी के आगे हैं। बस्तर में मोहन कश्यप के मुकाबले कवासी लखमा चुनाव लड़े थे, पहले दौर में कवासी लखमा आगे थे लेकिन अब वो पीछे हो गए हैं। शुरुआती जो रुझान आए थे उसमें छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, जो बढ़कर खाली 1 सीट पर रह गई है। आप छत्तीसगढ़ से भी वाबस्ता हैं, क्या लगता है कि वहाँ एकदम से तय कर लिया जाता है कि बीजेपी यानी बीजेपी को क्लीन सीट? बिल्कुल, इस वक्त तो मैं किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं करूँ तो सीधे सीधे की कैंपेनिंग की बात करूँ तो अब की बार जो भी वोट गया वो सीधे मोदी को गया है, क्योंकि जितने छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 सीटों में जो लोग हैं उनमें कोई बहुत बड़े नाम नहीं है। ब्रजमोहन अग्रवाल को अगर हम छोड़ दें तो कोई ऐसा बहुत चमत्कारिक नाम नहीं है। रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं, बाकी जो 10 नाम है, ज्योत्सना महंत का भी अच्छा नाम है, चरणदास महंत की पत्नी है और लगातार वो समाज सेवा के काम करती है, लोगों के बीच में रहती है, सक्रिय रहती है, तो उनकी भी जीत मानी जा रही थी। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए गिनती की दृष्टि से कुल 11 सीटें हम ये कह सकते हैं, मध्य प्रदेश से 2000 में कटा और यहाँ 40 लोकसभा की सीटें थी मध्य प्रदेश में, 11 छत्तीसगढ़ में चली गई, 29 मध्य प्रदेश में रह गई। 29 पे फिलहाल क्लीन स्वीप जैसी स्थिति आपने जैसा बताया कि देखने को मिली रही है। बिल्कुल, मैं अगर सारी पूरे देश की सीटों की बात करूँ तो 543 सीटों पर चुनाव परिणाम आने हैं, एक सीट जो है वो जीत की जा चुकी है सूरत वाली। जी बिल्कुल, और 542 सीटों की काउंटिंग जारी है, वहां पर एनडीए जो है 290 पार कर चुका है लेकिन भाजपा को बहुमत के लिए अभी 30 सीटों की कमी। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, मैं उत्तराखंड के दर्शकों के लिए बता दूं कि 5 सीटों की जो स्थिति है वो भी बड़ी साफ होती जा रही है और वहां किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। टिहरी गढ़वाल, वहाँ से माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी की 1,57,000 वोटों से आगे, जहाँ शिपाली जी सवा लाख की बढ़त है, मतलब वो माना जा सकता है कि अब वहाँ बहुत चेंजेस नहीं होंगे परिणाम में।
गढ़वाल उत्तराखंड की एक और सीट है जहाँ अनिल बलूनी बीजेपी के हैं, वो 1,09,000 वोटों से आगे हैं। अल्मोड़ा में अजय टमटा बीजेपी के 1,87,000 वोटों से आगे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर बड़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तराखंड का, यहाँ से अजय भट्ट बीजेपी के 2,75,000 वोटों से आगे हैं। अब इन्हें कौन हरा पाएगा? अब आप सोचिए, घटनाओं की भी मैं आपको एक सीट की मैं आपको और जानकारी दे दूँ, बहुत महत्वपूर्ण सीट है हरिद्वार जी। उत्तराखंड अगर जाना है तो हरिद्वार के बिना कुछ संभव ही नहीं है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो लगभग 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं कुछ छिटपुट घटनाओं की बात कर रही थी तो आपको आप बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने जो है अपनी बढ़त बनाई है, तो वहाँ पर सपा और भाजपा के कार्यकर्ता भिड़ भी चुके हैं लखनऊ में जी। बिल्कुल, वहाँ उनकी भिड़न चल रही है। देखते हैं नतीजे आगे और क्या होंगे। हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।